अब खबर पीएम मोदी के भक्ति पर्व से जुड़ी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में होंगे और केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। इस दौरान वो केदारनाथ हेमकुंड रोपवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह 7 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और देवभूमि उत्तराखंड से मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से केदारनाथ पहुंच रहे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करें इन तस्वीरों के साथ। ये देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये केदार की पहाड़ियां हैं, केदारनाथ की वो पहाड़ियां जहां पर कहा जाता है कि देवताओं का वास है, खुद महादेव यहां पर बसते हैं। लेकिन हालात यहां पर जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मौसम का मिजाज यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ से मात्र थोड़ी ही दूरी पर हम मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ को लेकर जो स्नेह रहा है, जो आस्था उनकी रखी है, वो किसी से छिपी नहीं है। शुरुआत 5 तस्वीरों के साथ करें, देखिए आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो कार्यक्रम है वो कितना खास रहने वाला है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो है दौरा करेंगे। सबसे पहले केदारनाथ में करीबन 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जिसमें वो दर्शन और पूजन करेंगे और ठीक इसके बाद केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। क्योंकि आपको 2013 की आपदा वो याद होगी, जब किस तरीके से केदार घाटी जो है वो तहस नहस हो गई थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक एक साल बाद यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले केदारनाथ गए थे और उन्होंने यहाँ की जनता से एक वादा किया था कि एक बार फिर से यही केदार घाटी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसे सजाया जाएगा, सवारा जाएगा और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। और उन्हीं विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा देखिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कि देखिए खराब मौसम होने की वजह से यहां से हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो फिलहाल रोक दी गई है। तो और आपको याद भी होगा कि परसों ही किस तरीके से एक दुर्घटनाग्रस्त जो है गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर हो गया था, जिसके बाद ऐसे में सबसे बड़ी समस्या केदारनाथ में जो आती है वो ये आती है कि आखिर यात्रियों को कैसे पहुंचाया जाए। जो लोग इतनी दूर दूर से केदारनाथ में दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं, उन्हें कैसे पहुंचाया जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस बार जो है रोपवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये रोपवे समझिए गौरीकुंड से जो है केदारनाथ तक जाएगा। अब आपको सबसे पहले ये समझाते हैं कि देखिए अगर रोपवे बनेगा तो इससे आसानी जो है वो क्या होने जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो जाती है और रास्ते, क्योंकि बहुत संकरी रास्ते, अगर आप यहां से जाएंगे केदारनाथ के लिए करीबन 17 किलोमीटर का रास्ता जो बहुत संकरी रास्ता है, आप पैदल यहां पर करीबन 9 घंटे का रास्ता लग जाता है, लेकिन वो 9 घंटे का रास्ता सिर्फ मात्र 30 मिनट में जो है वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि कोशिश ये है कि 2026 तक जो है ये रोपवे बनकर तैयार हो जाए, जिसकी एक नींव जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी जाएगी। और इतना ही नहीं, केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शंकराचार्य भी जाएंगे, वहां पर उनकी मूर्ति के सामने थोड़ी देर बैठेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उन्होंने शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था, उनके सामने कई देर बैठे रहे थे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, साधना की थी और शंकराचार्य को जिस तरीके से नमन करते हुए हर बार पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए हैं वो किसी से नहीं छुपा है। देखिए 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ में तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। किस तरीके से केदार घाटी जो है वो तैयार है एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, किस तरीके से केदारनाथ को जो है फूलों से सजाया गया है। क्योंकि एक बार फिर से आपको याद होगा कि जब पिछली बार पीएम नरेंद्र मोदी आए थे तो जिस तरीके से उन्होंने काशी के लिए ये बात कही थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वही बात वो हमेशा से केदारनाथ के लिए भी कहते आए कि देखिए केदारनाथ को सजाना सवारना जो है वो मेरा काम है। अब देखिए आपके सामने 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्ति पर्व से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, केदारनाथ में पीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे। वहां पर आखिर 2013 में जो आपदा आई थी, उसके बाद 2013 में जो आपदा आई थी उसमें किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया था। एक बार मैं अपने वीजे को कहूंगी तस्वीरें दिखाई, देखिए ये केदार घाटी है और केदार घाटी में जिस तरीके से मैं लगातार कह रही हूँ कि यहाँ पर जो है महादेव बसते हैं और ये जो एक महीने का समय होता है जब लोगों के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं, क्योंकि 27 तारीख को जो है ये कपाट बंद हो जाएंगे और उसके बाद डोली जो है महादेव की वो नीचे आ जाएगी। लेकिन ऐसे में अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जो है अपने खुद सामने जो है ये देखिए ये जो आप हेलीकॉप्टर दरअसल
देख पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है यहाँ से जाते हैं, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से, क्योंकि केदारनाथ में जो है इस वक्त हेलीकॉप्टर्स नहीं जा सकते हैं, अभी DGCA की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है, इसीलिए ये सीधे बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। और कुछ इसी तरीके का कार्यक्रम जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहने वाला है। तो आप, हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्ति से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिये, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, या फिर बात करें केदारनाथ धाम की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था महादेव को लेकर है वो किसी से छिपी नहीं है। अगर खासकर केदारनाथ, अगर केदारनाथ की बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में आने से पहले भी जो है 2.5 महीने करीबन जो है वो गरुड़ चट्टी में ध्यान करते रहे थे, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। तो देखिए, केदारनाथ की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, लेकिन बद्रीनाथ आपको लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी रितिका मौजूद है, जो वहां से आपको सुंदर तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर वहां किस तरीके की तैयारी है। ओवर टू यू रितिका। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, केदारनाथ की तस्वीर आपने दिखाई, भव्य तैयारियां हैं, और इस वक्त मैं बद्रीनाथ में मौजूद हूं, जो कि हिमालय की गोद में बसा ये भव्य मंदिर है, जहां दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये देखिए तैयारियां किस तरीके से यहां पर लगभग पूरी हो चुकी है, फूलों के साथ इस पूरे भव्य मंदिर को सजाया जा रहा है, और कल बद्री विशाल के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, और उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ठान लिया था कि इस मंदिर को भव्य, अलौकिक और भव्य बनाने के लिए किस तरीके से यहां पर परियोजनाओं की शुरुआत करनी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कल एक संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले तमाम विकास परियोजनाओं का खुद निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। अलकनंदा नदी के तट पर बसे इस भव्य मंदिर के दर्शन करने के बाद ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो आप देख रहे हैं, अलकनंदा नदी के आसपास ये अभी फिलहाल सारा काम चल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आसपास जितने भी यहां पर छोटी मोटी दुकानें थी, भवन थे, वो यहां पर तोड़ दिए गए हैं, ताकि इस नदी को और सुंदर तरीके से बनाया जाए। इसके साथ बहुत सारे भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं, कुछ इंतजार में हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपने दर्शन कर लिए? नहीं, अभी तक दर्शन नहीं किए, अभी आए तब मंदिर बंद हो गया था, अभी 3 बजे खुलने का। कहाँ से आए आप? हम गुजरात से हैं, आनंद जिला और तालुका खंबाज। हालांकि इससे पहले बाबा के कपाट अभी बंद हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर SPG की टीम की मौजूदगी थी, जो कि कल तमाम जो तैयारियां करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर, उसकी यहां पर रिहर्सल की जा रही थी। अभी भी आप देखिए भक्तों की कतारें किस तरीके से लगी हुई है, यही भव्य द्वार है जिसके जरिए यहां पर एंट्री होती है, और उसके बाद फिर बाबा विष्णु के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो भी सच्चे मन के साथ आते हैं, जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगी जाती है वो पूर्ण होती है, और इसी आस्था के साथ, इसी भक्ति भाव के साथ यहाँ पर भक्त जनों की जो कतारें हैं वो लगातार लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके दर्शन हो गए? नहीं जी, मेरे दर्शन नहीं हुए अभी, अभी इंतजार में। इंतजार में जी, गेट खुलने के इंतजार में। कितने बजे पहुंचे थे आप? मैं यहाँ 12 बजे पहुंच गया था जी। आसपास की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था जी। आपने कर लिए बाबा के दर्शन? बाबा कर लिया, बहुत सारी व्यवस्था है। पहली बार आप आए? पहली बार आए हैं। कैसी लग रही है आपको व्यवस्था, कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो देखिए, यही सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी था कि जो भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचे, वहां पर बाबा के दर्शन आसानी से हो, जो पूरा का पूरा रास्ता है वो सुविधाजनक हो, सुगम रास्ता हो, और इसी के तहत यहाँ पर तमाम विकास परियोजनाओं का काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम को लेकर ये मान्यता है, कहा जाता है कि ये निवास जो है भगवान शिव का था, जो कि अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन भगवान विष्णु जो कि तपस्या करने के लिए एक स्थान की खोज में थे, और उसी स्थान की खोज में यहाँ पर जब भगवान विष्णु की नजर पड़ी तो उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि किस तरीके से भगवान शिव के इस निवास को अपने तपोस्थल में तब्दील कर लिया जाए, और उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई। इसके साथ ही साथ मैं आपको अलकनंदा नदी की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी, और इसके साथ आप देखिए वो जो गर्म कुंड है जहां पर लोग स्नान करते हैं, और वहीं पर स्नान करने के बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि माँ पार्वती भगवान शिव के साथ वहीं पर स्नान करने के लिए जब पहुंची थी, उसी के बाद इस पूरे मंदिर की मान्यता की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बालक के रूप में जन्म जब लिया था यहाँ पर, तो इस लिहाज से लिया था कि वो माँ पार्वती उन्हें अपने बच्चे के तौर पर देखने लगी, लेकिन भगवान शिव ने मना किया था कि ये चमत्कारी बालक है, आप इसे अपने घर में मत लेकर आइए, लेकिन माँ पार्वती ने कहा कि नहीं, मेरी ममता जागती हुई नजर आ रही है इस बच्चे को देखते हुए, और जैसे ही इस बच्चे को माँ पार्वती अपने निवास के अंदर लेके गई तो
उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो निवास पूरा का पूरा उस बच्चे का हो गया जो कि भगवान विष्णु के अवतार में वहाँ पर मौजूद था, और उसके बाद भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ दूसरे स्थान पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या आगे बढ़ाई। लेकिन अभी फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर के कपाट खुलेंगे, और ये देखिए ठंड लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन भक्तों की आस्था इस कदर दिखाई दे रही है कि इस बढ़ती ठंड का कोई असर उन पर नहीं है।